9 नवंबर 2019 के जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जो उस जगह को लेकर के तमाम पक्ष रखे गए थे वो एज इट इज़ रखा गया है मामला। और सुप्रीम कोर्ट में आज जो टोटल 18 रिव्यू पिटीशंस यानी जो नजरे सानी की अर्जियां थीं, जिनमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी, जमियत उलमा हिंद की थी, पॉपुलर फ्रंट की थी और अलग अलग एनजीओज वगैरह की थी, वो पूरी तरीके से चैम्बर हियरिंग में ही खारिज कर दी गई है। और जिस तरीके की कयासराई पहले ही की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इसको चैम्बर हियरिंग में ही खारिज कर देगा, इस नजर सानी अर्जी को जो कि रिव्यू पिटीशंस 18 लगाई गई, जिसमें हिंदू महासभा की भी और रामलला न्यास की भी, उन सबको भी टोटल क्लब करके इन 18 लगाई गई थी, उन सबको सुप्रीम कोर्ट ने आज चैम्बर हियरिंग में ही खारिज कर दिया। और अब ओपन कोर्ट में ले जाने की जहां तक बात आ रही थी, जिस तरीके से पहले भी मैंने कहा था, जिस दिन मौलाना अरशद मदनी ने फाइल की थी रिव्यू पिटीशन, उसी रोज़ हमारी तरफ से भी यही कयासराई की गई थी, सवाल भी किया गया था कि अमूमन ऐसा देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को चैम्बर हियरिंग में ही खारिज कर देता है और ओपन कोर्ट तक तो ले जाने की नौबत नहीं आती। इस बार भी यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से उन तमाम 18 अर्जियों को, जिसमें चाहे मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से हो या वो हिंदू पक्षकारों की तरफ से हो, पूरी तरीके से उसको खारिज कर दिया। और कोर्ट लोगों के पास, खास तौर से जो अब पक्षकार जिनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई हैं, उनके पास में अब क्यूरेटिव पिटीशन यानी एक मौका और उनको दिया जाता है, जो कानूनी तौर पर होता है, एक क्यूरेटिव पिटीशन का उनके पास चांस रहेगा, जिसके लिए भी पहले से यही इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि क्यूरेटिव पिटीशन भी यहीं सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने उस 9 नवंबर 2019 के फैसले पर पूरी तरीके से अफर्म है, सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को एज इट इज़ रखा है। और ये बता दूं कि अब मंदिर बनने का रास्ता उस जगह जहां बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जहां बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, अब उस जगह सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले के मुताबिक मंदिर बनने का रास्ता पूरी तरीके से क्लियर हो गया और अब वहां पर पूरी तरीके से मंदिर बना दिया जाएगा। साथ ही जो हिंदू महासभा की तरफ से जो हुक्म दिया गया था कोर्ट को, अब वहाँ उसको लेकर के मंदिर के निर्माण कार्य जो है उसको शुरू कर दिया जाएगा। और जो मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ जगह की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई थी, उसको खारिज करने की भी अपील यहीं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। मेरे साथ इस वक्त हिंदू महासभा के वकील विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं। आपसे पूछना चाहूँगा, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और जो पहले ही समझ आ रहा था कि चैम्बर हियरिंग में ही ये मामला रिजेक्ट हो जाएगा, क्या आपको इसको लगता है, और आपकी भी हालांकि पिटीशन रिजेक्ट हुई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लॉ बहुत ही क्लियर है कि रिव्यू पिटीशन तभी फाइल हो सकती है जब तक कोई पार्टीज एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ना बताएं। और इस स्थिति में जितने मुस्लिम पक्षकार हैं, जो 7 मुस्लिम पार्टीज हैं जिन्होंने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर किया था, आज वो सारी पिटीशन डिसमिस हुई, इंक्लूडिंग हमारी पिटीशन भी डिसमिस हुई है। पर हमारी पिटीशन का स्कोप बहुत ही डिफरेंट था कि इन केस मुस्लिम पार्टीज को ओपन कोर्ट हियरिंग मिलती है तो उस स्थिति में एक काउंटर स्टैंड भी कोर्ट के सामने रहे और उनको काउंटर करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। इस ऑब्जेक्टिव से हमने अपना रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट सामने दायर किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिव्यू पिटीशन डिसमिस किए हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, सारे 18 रिव्यू पिटीशन डिसमिस किए गए। तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ये फ्लो होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2018 में से विष्णु 9 जो है वो आपकी तरफ से थी हिंदू पक्षकारों की, और 9 जो थी वो जो 18 थी उनमें से 9 उनकी तरफ से थी जो पार्टीज थे, जिसमें 7 मुस्लिम पार्टीज थी, 2 हिंदू पार्टीज थी, और बाकी लॉ बोर्ड वगैरह और जमीयत वगैरह शामिल थी। बाकी जो 9 थी वो उनकी तरफ से थी जो पार्टीज इस केस में नहीं थे। और आज सारी 18 रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई है। हालांकि निर्मोही अखाड़ा की रिव्यू पिटीशन आज लिस्टेड नहीं थी, वो फ्यूचर में कभी भी लिस्ट हो सकती है, और उस पर भी कोर्ट को जो उसको अलग से क्यों करने की वजह है, क्योंकि उन्होंने रिव्यू पिटीशन अभी 1-2 दिन पहले ही फाइल की थी और उसका डिफेक्ट क्यों नहीं पा, इट वॉज लिस्टेड, उसका डिफेक्ट क्यों नहीं हो पाया था, इसलिए आप मेरे में बोलना है। नहीं, अच्छा मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, अब एक क्यूरेटिव पिटीशन का एक ऑप्शन रहता है, तो क्या अब उसके अंदर जाया जा सकता है, और अगर आप दर्शकों को बता सकें कि उसका उसको जो फॉलो करने का तरीका है या उसकी जो वजह है वो क्या रहती है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा के जजमेंट के बाद से एक नई रेमेडी दी है कि रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, पर उस स्थिति में आपको एक सीनियर एडवोकेट के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, चाहे डेजिग्नेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और वो सर्टिफाई करेंगे कि इसमें एक ऐसे ग्राउंड्स बनते हैं जो
कोई बात छूट गई है रिव्यू पिटीशन में लाना या कोई इंपॉर्टेंट एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड है, वो सारी बातों को लेते हुए अगर सीनियर एडवोकेट सर्टिफाई करते हैं तब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जा सकती है और इसकी भी ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं होती है, जजेस उसको भी इन चेंबर सुनते हैं और क्यूरेटिव पिटीशन इज द लास्ट रेमेडी, इसके बाद और कोई रेमेडी नहीं है। विष्णु, एक चीज ये भी देखी जा रही है रिजेक्ट होने के बाद भी अब मंदिर का जो निर्माण है वो अब शुरू होने जा रहा है, यानी कि एक रास्ता जो है वो क्लियर हो गया, ये एक अफर्मिटी मैं कहना चाहूंगा कि जी बिल्कुल, क्योंकि अब 9 नवंबर का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था उसके इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया, अब केंद्र सरकार को उसमें ट्रस्ट फॉर्मेशन करना है, स्टेट गवर्नमेंट को अल्टरनेट लैंड अलॉट करनी है और वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिव्यू पिटीशन का लोगों ने फाइल कर रखी थी, तो मुझे लगता है सरकार के सामने भी ये एक दुविधा थी कि कैसे जजमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे बढ़ें, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी हैं तो अब 9 नवंबर का फैसला इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने पूरे तौर पर कह दिया है कि अब वो जो फैसला जो 9 नवंबर को यहीं सुप्रीम कोर्ट से दिया गया था तो अब उसके लाहे अमल करने का जो वक्त है वो आ गया है, यानी अब मंदिर का बनाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है।